वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की शान अवार्ड ग्रीन प्लाईबोर्ड इसको लेके आ रहे हैं। दोस्तों मैं कई सालों से यानी कि काम कर रहा हूँ, 30-35 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। तो दोस्तों 2-3 सालों से मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालनी चालू की है, तो मैंने उसके अंदर जो मुझे काम आते थे, मैंने अपनी प्रतिभा, जो मैंने अपना योगदान दिया, तो दोस्तों आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो यूट्यूब की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है, तो आप भी हिंदुस्तान की शान बनना चाहते, तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आऊं। तो दोस्तों सरप्राइज के आपको आपने इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक आपने बने रहना, और जो सर वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है वो मैंने 10,000 का रखा है, वो मुझे पता, मेरे कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम ठेकेदार और कारपेंटर भाइयों ने देश के लाखों घरों और दुकानों को सजाया है। दोस्तों वो वक्त आ गया यहाँ हमारी योगदान और काबिलियत को पहचान मिलेगी। दोस्तों जैसे हमने लोगों के हमने इन हाथों से ड्रीम पूरे किए हैं, दोस्तों कुछ हमारे भी ड्रीम होते हैं, हमारी फैमिली के भी हमारे साथ ड्रीम जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रीन प्लाई लाया हिंदुस्तान की शान अवार्ड, यह अवार्ड देश के कॉन्ट्रैक्टर और कारपेंटर भाइयों को हमारी अतुल्य योगदान के लिए सम्मानित कर रहा है। और दोस्तों एक हमें मौका दे रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जो आपका टैलेंट है, ये मौके बार बार नहीं मिलते, जो आपका टैलेंट है आप दिखाना चाहते हो। कभी आपने सोचा होगा यार मेरे पास ऐसा टैलेंट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो आप ग्रीन प्लाईबोर्ड एक आपको ऐसा मौका दे रही है। दोस्तों यह अवार्ड ही आपको अपने समुदाय के बीच में एक आपको सेलिब्रिटी बना देगा। दोस्तों वो पल देखिए कितना अच्छा होगा, जब आपने एक हाथ में आपने ट्रॉफी पकड़ी होगी, दूसरे हाथ में आप सर्टिफिकेट पकड़ा होगा, तो आप हिंदुस्तान की शान बन जाएंगे। दोस्तों ये हिंदुस्तान की शान शिखर ही अपने आप में एक काफी गौरवशाली है, यानी कि हम कितना अपने आप को मसून अपने गौरवशाली महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान की शान बन गए। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है, या आप कारपेंटर, या आप कोई ठेकेदार हैं, आप अपने काम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों इस कंपटीशन में आप जरूर हिस्सा लें। तो हाँ दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आपको सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहे होंगे, तो आप वहां पर भी अपना मैसेज दे सकते हो, तो बहुत जल्दी आपकी ग्रीन प्लाईबोर्ड की टीम आपसे संपर्क करेगी। दोस्तों हिंदुस्तान की शान अवार्ड में हम लोग इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं? दोस्तों इसमें कंपनी ने 3 शर्तें दे रखी हैं, जो उनसी हमें तीनों पूरी करनी है। पहली तो ये कंडीशन ये है, यानी कि कस्टमाइज आपने फर्नीचर जो भी आपने किया हो उसको दिखाना है। दोस्तों हमेशा जैसे मेरे पास कस्टमर आया तो उसकी यही शर्त थी, यानी कि जगह की प्रॉब्लम थी, यानी कि कम जगह में कि हम ज़्यादा स्पेस इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जौन सा मैंने फर्नीचर बनाया, मैंने ग्रीन प्लाईबोर्ड से बनाया, तो कस्टमर को नहीं पता होता प्लाई बोर्ड कौन सा लेना कौन सा नहीं, उनको मैंने वीडियो बताई है, मैं कहा मैंने E0 ग्रीन प्लाई बोर्ड पर काम किया, तो कस्टमर ने देखा तो उनकी यही डिमांड थी, मैं हमें इसी ही ग्रीन प्लाई का हमें फर्नीचर बना के दो। तो दोस्तों ये मैंने जौन सा फर्नीचर बनाया, इसकी आप वीडियो देखिए, 3-4 मिनट की वीडियो, उसके बाद मैं फिर आपको डिटेल में आगे बताऊँगा।
यह हमारी अलमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ये देखिए हमने ग्रीन प्लाई बोर्ड से बनाया है। दोस्तों हमने कस्टमर की समस्या को कैसे हल किया है, दोस्तों एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा ये कम ले रहा है और हमने इसमें दो काम किए हैं, एक तो बुक सेल्फ है और दोस्तों इसके अंदर स्टडी टेबल है। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों जो सा ये प्लाई बोर्ड हमारा फोल्डिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और ये वाले पटीशन को इधर कर देंगे और ये वाले पटीशन को हम इधर कर देंगे तो हमारा स्टडी टेबल रेडी हो गया। कोई भी बच्चा आके इस पर काम वगैरह कर सकता है। और दोस्तों इसने स्पेस भी यानी कि बहुत कम लिया है, यानी कि कल को आपको जरूरत नहीं है, आप इसको फिर फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको बुक सेल्फ भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम किया तो आप ये भी बता सकते हो। दोस्तों हिंदुस्तान की शान अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए हमें तीन कंडीशनें बताई गई थी। पहली कंडीशन मैंने बता दी है, मैं दूसरी कंडीशन आपको बता दूंगा, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में क्या, कस्टमर जैसे कोई अपने मेरे पास समस्या लेके आया कि बनवारी जी इस बजट में मुझे दो चीज़ें चाहिए, तो दोस्तों दो चीज़ें मैंने कैसे तैयार की हैं, जैसे ये मैंने तैयार की हैं तो इसके अंदर क्या स्टडी टेबल, ये अपना बुक सेल्फ भी बन गया, स्टडी टेबल भी बन गया। क्योंकि हर एक कस्टमर की यही समस्या रहती है कि कम बजट के अंदर मैं कोई अच्छी चीज़ तैयार कर दूँ। दोस्तों मैंने अपना दिमाग लगाया तो मैंने यही चीज़ तैयार कर दिया, तो आपने भी ऐसी किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम किया हो तो आप बता सकते हो। दोस्तों जो थी थर्ड कंडीशन हमारी ये है, कोई भी आपने प्रकृति के लिए कोई भी आपने कार्य किया हो, जैसे पेड़ वगैरह लगाए हो, जैसे ये मैं अपने बर्थडे पर यानी कि 10 पेड़ लगाता हूँ, कोई भी आपने ऐसे सामाजिक काम किया हो तो आप वो भी बता सकते हो। दोस्तों इन तीनों कंडीशनों के अलावा कोई और भी आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो तो आप लोग वो भी उसमें बता सकते हो। दोस्तों हिंदुस्तान की शान में जो सा पहला फर्स्ट प्राइज रहेगा फर्स्ट विनर को, ये देखिए हिंदुस्तान की शान। दोस्तों इसके अंदर क्या, आपको 1,01,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा और दोस्तों उसके साथ आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों जो सा सेकेंड विनर प्राइज होगा वो आपको नकद मिलेगा 51,000 का मिलेगा, जिसके साथ आपको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों आप एक अपने आप में सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जो आपने फर्श से लेके हर्ष तक का सफर तय किया आपको पता नहीं लगेगा और दोस्तों आप हिंदुस्तान की शान बन जाएंगे। दोस्तों यानी कि जब हम अपने आप में जब हम एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं तो दोस्तों काम की आपको पता कोई कमी हो रहती नहीं है, काम इतना आएगा हद से ज़्यादा आएगा क्योंकि आप हिंदुस्तान की शान है। इसको कौन करेगा, ग्रीन प्लाई बोर्ड। दोस्तों हिंदुस्तान की शान का नॉमिनेशन फॉर्म है तो इसमें आपको अपना पहले नाम भर लेना है। नाम भरने के बाद इसमें आपको लास्ट नेम में आपको सरनेम भरनी है, आपकी सरनेम क्या है। बाकी आपको मोबाइल नंबर वो वाला देना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप चालू हो, तो आपको उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर भर देना है। नॉमिनी एड्रेस के अंदर आपको अपना पता भरना है, आपका पता क्या है। बाकी इसके अंदर ये जो टिक वाले हैं इसमें क्या, आपको एक्सपीरियंस का इन्होंने पूछा हुआ है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है फर्नीचर की फील्ड के अंदर। जैसे आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो इस पर आप टिक कर दोगे, अगर 5 से 15 के बीच में है तो इस पर टिक कर दोगे। जैसे मेरा मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया तो मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया है। ये तो हो गया हमारा पहला पेज। दोस्तों हम दूसरे पेज पे आ गए। अब आपको दूसरे पेज में बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। फिल करने से पहले आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट चुन लेना है जिसके अंदर आपको लग रहा है आपने काफ़ी हटके काम करा है और जिसमें आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। तो दोस्तों उस वाली साइट का या प्रोजेक्ट का आपने एड्रेस इसके अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने फिर कस्टमर या क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर फिल कर देना है और इसके जो आपने प्रोजेक्ट किया आपने उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो कि आपने उसमें कॉस्ट कटिंग कैसे करी है या आपने उसमें क्या क्या करा है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला बॉक्स कम पड़ जाए तो आप A4 साइज की शीट ले सकते हो, आप उसके अंदर भी लिख सकते हो। ये करने के बाद आपने जो ये वाला प्रोजेक्ट है आपने इसकी क्या है 4-5 फोटोज क्लिक कर लेनी, क्लिक करने के साथ इस वाले फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। और अगर आपका मतलब आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करा है और आपका न्यूज़पेपर में उसमें आर्टिकल में आया तो आप उस वाले आर्टिकल की
मतलब आर्टिकल को कट करके आप इसके बाद अटैच कर सकते हो। दोस्तों अब हम थर्ड पेज के ऊपर आ गए हैं। इस वाले तीसरे पेज में क्या है हमारा, पहले जो हमारा पार्टिसिपेंट होना चाहिए कोई भी इसमें, या बहन या भाई कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए, मतलब 18 प्लस होना चाहिए। और अगर आपको जैसे इनकी वेबसाइट, अगर इनको डायरेक्ट वेबसाइट पे अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो इनकी ऊपर ये वेबसाइट का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से टाइप करके अपने मोबाइल में या किसी कंप्यूटर में आप उसको यहाँ से सीधा फिल कर सकते हो। बाकी अगर आपको फिजिकल फॉर्म में भेजना है तो इन्होंने मार्केटिंग टीम का ये एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप बाय पोस्ट ये इस वाले एड्रेस पे भेज सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप इनका टोल फ्री नंबर है, ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ये टोल फ्री नंबर को आप कॉल करके आप इनसे कोई भी जानकारी ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की शान प्रतियोगिता में जीतना या भाग लेने के लिए ग्रीन प्लाई प्रोडक्ट को खरीदना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैंने आपको सारी फॉर्म की डिटेल तो बताई दी है, अब अगर आपको ऐसे फॉर्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कैसे करोगे आप, ये आपको QR कोड दे रखा है, उसको स्कैन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, कैमरा दिख रहा हो, कैमरे पे क्लिक करने के बाद अब हमने QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक सर्च का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा, उसके ऊपर इसको क्लिक कर दोगे, ये आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे अब हमें फॉर्म को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करेंगे, जाएंगे सीधा डाउनलोड फॉर्म को कर देंगे, ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा, ये फॉर्म डाउनलोड आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको अपलोड करना है अपना फॉर्म तो यहाँ से अपलोड भी आके अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों हिंदुस्तान की शान अवार्ड में आपको किस तरीके से हिस्सा लेना है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉमिनेशन फॉर्म आपने कैसे भरना है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या हमारे कंडीशनों का फॉलो करना है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।